वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वैलकम है फ्रेंड्स, ताड़े अपने चैनल से। उम्मीद करते तुम सारे ठीक ठाक होवोंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अज की वीडियो भी तुम्हें पता लग गया भी आप की लैके आ रहे हैं। अज आप बनावे सरों का साग, तो साग बनावे आप चुल्हे ते, और वीडियो अज आप शेयर करा। तो फ्रेंड्स देखो, ये सरों का साग है, तो लवियां लवियां जी गंदल सीगियाँ, तो आप चंगी तरह के धो सवार के रख लिया वा। तो इन्हों कोई ज़्यादा छिलन की वैसे लोड़ नहीं, क्योंकि गंदल जड़ियाँ सी लवियां ही सीगियाँ। अगर साग अपना पक्वा हो तो आपू छिलना पैंता वा, नहीं उन्होंने छिलन की जरूरत नहीं पैंती। तो मम्मी हूँ इतने दात के नाल ही साग कट रहे ने। मैं ज़्यादातर मशीन पर कटती हूँ, क्योंकि दात मेरे मलों जोरी बज जाता वा। तो मम्मी दात दे कट लेंदे, क्योंकि जिहड़ियां पुरानियां बीबियां हुंदियां है ना, उन्हां नूं पता हुंदा वो वधिया तरीके नाल कट लैंदियां वा। तो मेरे तो एवें ही बस धक्के नाल ही वज जांदा दात हत्थ ते। तो जिन्ना चिर मम्मी इत्थे साग कट्टूगी, उन्ना टाइम मैं चुल्हे दे विच अग उबाल लैंदी हाँ, पतीला पतूला धो के रख लैंदी हाँ। हाँ जी देखो, अग आप बचा लीए, तो पानी आप पतीले पा के धरता। जिते आप इन्होंने मूंगफली खाँदी फिरती सी, तो बच्चे थोड़ा जो मूंगफली की जी शैल होंगी माड़ी जी भड़का के पाती सी। तो पानी अपना गर्म हो गया सी, पानी गर्म होने आप इस पा दिता वा साग जो आप कट्टी जाने नाल दी नाल पाई जावे। तो नाल ही मदनी के नाल इन्हों नप के थले करते जावे, बस नाल दी नाल साग इस दे विच पई जाऊगा। तो साग रज रज के थले हो ही जाता हुंदा वा। तो हुण जिन्ना चिर साग रज रहा उन्ना टाइम आपां जिहड़ा दूसरा विच समान पाउणा वह साफ कर लेंगे। इत्थे मैं भूकां वाले जिहड़े गंढे सी उह भी लैके आई सी। एक गुट्टी आपां मेथियां दी पावांगे, एक गुट्टी आपां पावांगे धनिए दी, ते दो गुट्टियां आपां पालक दीआं। बाजारों ही लैके आए सी साग, मैं मम्मी पिंड गई सीगी उतों तोड़ के लिए आई सी। बाकी सारा समान आप बाजार तो ही लैके आए थे, इनू साफ कर लवेंगे बह के। तो इधर पानी गर्म होने लिए पतीले के उपर एक छोटी पतीली दे पा के रखता वा, क्योंकि साग में जो भी आप पानी पाना वा जो तो जरूरत होंगी है, तो पानी गर्म ही पाना हों। तो फिर इस तरह के नाल पानी भी गर्म रहा, तो साग भी अपना रिझदा रहा वा। देखो जी साग उबाले मार रहा वा, तो बहुत वधिया साग रिज रहा वा। तो वैसे साग लवा सी तो जल्दी बन जाता वा, ये लवा हो गंदलों वाले नूं थोड़ा टाइम भी लग जाता वा। तो बस थोड़ा जहा साग रह गया। तो इधर मम्मी हुण पालक पुलक चीर के भी पा दूगी, मैं पालक नाल साफ करके बनाती सीगी। हुण आपां इस पा देवांगे लूण। लूण तुसीं पहलां भी पा सकते हो, बट मैं जदों साग जिहड़ा चीर के जदों पाता वी पालक मेथे पाउण तों पहलां, तो साग चीर के पाउण तों बाद विच पाया वा। नमक तुसीं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पाउणा वा, कोई वध खांदा कोई घट खांदा वा। तो सारा कुछ आप पालक वगैरह चीर के पाता वा साग दे विच, ते रह गया कल्ला धनिया साफ करन वाला। तो हुण आपां धनिया साफ कर लवांगे। बस साग तां सारी दिहाड़ी लै लैंदा वा, कहिंदे साग तां गुत्तो फड़ के बह जांदा, उह गल बण जांदी। जिस दिन साग दा रहा होवे बंदा दूजा कोई कम नहीं कर सकदा गा। बस ज़्यादा कुछ तो है नहीं सी, वैसे सारा यह साफ ही सीगा धनिया वगैरह। तो बस इतने मैं थोड़ी थोड़ी कदे कदे शरारत भी सजदी होंगी है, मैं नाल नाल थोड़ा थोड़ा बिच कुछ अग दे, भावें गिला भी सुखा भी, जो मेरा दिल करे तो मैं लाई जानी होंगी है बिच ही। तो हुण आप धनिया जिहड़ा खिलार के चंगी तरह के नाल विचों जिवें इहो जे पत्ते आप बाहर कढ देवांगे। हाँ जी, जिहड़ा धनिया अपना साफ करके आप साइड पर रखा से, उन्हों आप चंगी तरह के नाल हम धो लवेंगे। धो के साइड पर रख देवे सुकन दे लई। तो इधर आप लसण जिहड़ा छिल लिया वा, तो हरिया मिर्चा मेरे को चार तो पाँच जो छे ही हो रह गई। तो सरदार साहब नूं लैण तो रहा सी, फोन भी अपना घर भुल गए, तो मिर्चा भी काफ़ी लेट लेके आए, तो करके पहला मेरे को जिन्नी क मिर्चा से वह पा दी। तो थोड़ा लेट जरूर हो गई सी, बट मिर्चा फिर घोटन तो पौना घंटा पहला पातियां सीगियां। तो लसन असीं इहदे विच साबता ही सैट देंगे, क्योंकि लसन ने गाली जाना जदों नीचे अपना पूरा सेक पै रहा। तो लसन जो आप साग घोटांगे तो साग के नाल ही लसन भी घोटिया जाना। तुसीं चाहो तो तुसीं कुट के भी पा सकते हो। तो इत्थे हरिया मिर्चा आ गईयां सी, हरिया मिर्चा भी जिन्ना क आपां मिर्च चाहीदी है साग दे विच उन्नियां क आपां पा लईयां वा। तो हरिया मिर्चा भी कट के पा लईयां वा। अगर तुसी चाहो तो हरिया मिर्चा लसन
अदरक सारा कुछ तुम्हें सूटे कुट के पा सकते हो। तो अदरक मैं पावगी तड़के दे विच, इस दे विच मैं नहीं पा रही गी। हाँ जी देखो साग नू रिझदे नू 3-4 घंटे हो गए ने, ज़्यादा टाइम ही हो गया होना। तो हुण आपां इस दे विच आलण पावांगे, तो जिहड़ा नीचे सेक बिल्कुल घट हो गया वा, तो आपां चुल्हे दे उपर ही मम्मी आलण पा लैंदी हुंदी आ, मेरे तो नहीं पैंदा, मैं थल्ले ला के पाउनी हुंनी आ। तो अज आलण आपां जिहड़ा पा रहे हां, आपां पा रहे हां बेसण दा। अगे हर बार मक्की दे आटे दा पाईदा वा, तो तुहानूं दस्सिया वा सरदार साहब कम सीगा, उहनां नूं कम गए वे सी, तो मक्की दा आटा घर विच है नहीं सी, तो बेसण पिया सी, सोचिया वी आपां वी कुछ न्यू ट्राई करके देखिए। बट बेसण दा जिहड़ा उह आलण पा के ना बहुत ही टेस्टी साग बनिया सीगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा गा, थोड़ा बहुत ही पैंदा वा। तो नाल नाल आपां बेसण दा जिहड़ा आलण पाई चलांगे, तो नीचे सेक वी, तो नाल नाल अपने जिहड़े आलण नूं वी सेक लगदा जाऊगा, तो साग अपना बन के रेडी है। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਣ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਲਾ ਕੇ ਆਲਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਲਣ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਲਣ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਲਣ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਗ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਨੀਚੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਗ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, 3-4 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 3 ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟਮਾਟਰ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੜਕਾ, ਅਤੇ ਤੜਕਾ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿਆਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ 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 ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਗ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੜਕਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਤੜਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਿਕਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰਵ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮੱਖਣ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਲਓ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।